प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर बेटियां। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और दबंग वकील नाजिया अली खान जी, और ये दोनों मिलके ममता बनर्जी के झूठ से पर्दा उठाएंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं, रात में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी, पहला झूठ जो उन्होंने ईद की नमाज में मुसलमान मर्दों से किया, उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में यूसीसी नहीं होने देंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि 28% ऑन रिकॉर्ड डेटा के हिसाब से 28% हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में मुसलमान हैं और 18% साइलेंट घुसपैठिया मुसलमान है। तो मैं 18% जो साइलेंट है, मैं उनको साइलेंट ही रहने देती हूँ, क्योंकि वो आकर के तर्क वितर्क तो नहीं करेंगे, उनको साइलेंट रखते हैं। लेकिन जो 28% ऑन रिकॉर्ड है, जो वोट देते हैं, जिनको ये लॉलीपॉप ममता बनर्जी ने 11 अप्रैल को ईद की नमाज से दिया कि वो यूसीसी पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगी, और उन्होंने एक रेफरेंस दिया मुसलमानों को कि आप लोग शादी नहीं कर पाइएगा इसलिए हम यूसीसी नहीं होने देंगे। पहला सवाल कि कौन, किसने कहा कि मुसलमान शादी नहीं कर सकता, हाँ चार सेक्स टॉय अपने बिस्तर पे नहीं रख पाएगा जब यूसीसी लागू हो जाएगा। अब मेरा सवाल श्रीमती ममता बनर्जी से है और उन तमाम 28% मुसलमानों के बिहाफ में है कि आप यूसीसी खारिज करिएगा कैसे? आप कलकत्ता हाईकोर्ट जाकर के चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट को क्या बोलिएगा कि संविधान के आर्टिकल 44 जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा था उसको हटा दीजिए, पश्चिम बंगाल में हम नहीं मानेंगे। क्या कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात को मानने को तैयार हो जाएंगे? दूसरा सवाल, सर्वोच्च न्यायपालिका के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ भारत को, जस्टिस चंचूर साहब को अगर जाकर के श्रीमती ममता बनर्जी रिटर्न SLP जमा करती हैं और अपील में ये लिखती हैं कि आर्टिकल 44 जो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था और उसमें शैल 5 बार इस्तेमाल किया था और कहा था कि जल्द से जल्द भारत में कॉमन सिविल लॉ आ जाना चाहिए, तो प्लीज हटा दीजिए, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ भारत आर्टिकल 44 को रद्द कर पाएंगे? आसान सा सवाल है। बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत आसान है, जवाब इसका बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी साहिबा ने मुसलमान लौंडों को, मेरे मुसलमान युवा भाइयों को, उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया। इस देश का कोई भी कोर्ट आर्टिकल 44 को नहीं रद्द कर सकता है, कभी नहीं रद्द कर सकता है। और फिर आप ये देखो कि CAA को लेकर भी तो क्या बोल रही है ना, वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पूरे देश में लागू हो चुका है, फिर कह रही है कि मैं यहाँ लागू नहीं होने दूंगी। आप होती कौन है, आप कह ही नहीं सकती, आपने उसी संविधान की शपथ ली है ना, जिस संविधान के बारे में सब आ रहा है, फिर ऐसी बातें बोल रही है, ये भी लॉलीपॉप है नंबर दो। मेरा दूसरा पोल वो भी है, मेरा दूसरा जो है उनका पोल ममता बनर्जी का वो भी है। मैंने कहा ना, तीन मुद्दे उनके झूठ आपको पकड़वाऊंगी और जनता को, जनता भी इसको सुने। पहला तो यूसीसी का, दूसरा CAA का। श्रीमती ममता बनर्जी ने कई बार काका छीछी की और 11 अप्रैल ईद की नमाज पे भी मुसलमानों को ये बताया कि तुम लोग आराम से यहाँ पर घुसे हुए रहो और घुसाते रहो, हम CAA इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे भारत में। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया, 1955 में इंदिरा गांधी जी ने भी कई बड़े चैनल इंक्लूडिंग BBC वर्ल्ड न्यूज को भी, उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए हैं उनको जाना पड़ेगा, जो भी घुसपैठिया आजादी के वक्त आ गए हैं, मौके और मसलहत को देखते हुए उनको भारत को छोड़ना ही पड़ेगा और ये होकर रहेगा। ये मैं उनकी मिमिक्री नहीं कर रही हूं, पर मैं उनके अंदाज में, क्योंकि काफी अट्रैक्टिव अंदाज उनका था, तो उनकी अंदाज में मैं बोलने की कोशिश कर रही हूं। उसके बाद 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उस अमेंडमेंट के सबसेक्शन 1 में ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ भारत बाउंड है इस भारत के सभी सिटीजन का सर्वे कर करके
भारत के सभी सिटीजन को सिटीजनशिप कार्ड देने का, 2003 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सबसेक्शन 1 है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी जी के जमाने में, राजीव गांधी जी के जमाने में, जो ये जो 386 आर्टिकल के द्वारा बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, तकरीबन 42 अमेंडमेंट्स हुए, उसमें से एक ये भी था। अब आप इसको हटाइएगा कैसे दीदी जी, ये तो बताइए। मेरे राज्य की मुख्यमंत्री, आप मुझे ये भी तो बताइए कि कौन से कोर्ट में जाइएगा, देश के कौन से कोर्ट में जाकर के कहिएगा कि ना मैं 1955 को मानूंगी सिटीजनशिप को, ना मैं 2003 को मानूंगी, और ना ही मैं 2019 के अमेंडमेंट को मानूंगी, और ना ही मैं राजीव गांधी के कार्यकाल में आए हुए सबसेक्शन 1 को मानूंगी। अब बताइए कैसे हटाइएगा। तो ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाना ही तो हुआ ना। अब 28% में मेरे अलावा और भी तो पढ़े लिखे मुसलमान होंगे, वो आंखों में आंखें डालकर सवाल क्यों नहीं करते कि दीदी आप हमको झूठ क्यों बोल रही हैं, दीदी आप हम लोगों को बेवकूफ क्यों बना रही हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट तो इम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ भी होगा, यूसीसी आएगा और यहाँ भी आएगा। अब आता है CAA लागू हो गया तभी तो वो जो राजवंशी या मतुआ जाति के लोग आए हुए हैं बांग्लादेश से और वेस्ट बंगाल में बसे हुए हैं 24 परगना में, उत्तर और दक्षिण में, जो कि अच्छे खासे 5-5.5 करोड़ हैं और उनका वोट बैंक अच्छा खासा है, तो वो तो सिटीजन बन गए ना, तभी तो वोट दे रहे हैं, CAA के तहत ही तो बने। और उनको देखकर तो ममता घबराई हुई क्योंकि 7-8 सीटों पर उनका अच्छा रुतबा है जी। और वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे करेंगे, तो जब जब वो CAA के तहत नागरिक बन गए तभी तो वोट दे रहे हैं, तो फिर ममता कौन सा लॉलीपॉप देकर घूम रही है। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना जो जी, कि 28% मुसलमानों में से अगर 28 व्यक्ति भी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो जाकर पूछे कि आप हमको झूठ क्यों बोल रही हैं। ये दूसरा झूठ मैंने पोल खोल दिया। अब मैं तीसरे झूठ पर आती हूँ, श्रीमती ममता बनर्जी मुसलमानों की मसीहा है, मुसलमानों की मसीहा है, सर पे आंचल रख लिया और ला इलाहा पढ़ दिया, अफ्तार कर लिया, उसी से आप मुसलमानों की मसीहा हो गई। कैसे हो गई? ये देश जानता है कि नेहरू के जमाने से लेकर के इंदिरा गांधी के जमाने तक में वक्फ बोर्ड को बहुत ताकतवर बनाया गया, बहुत ताकतवर बनाया गया, और ऐसा ताकतवर बनाया गया कि कल को वक्फ बोर्ड आपकी संपत्ति को कह देगा कि उसकी संपत्ति है तो आपको, आप कुछ नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। हालिया में देखिए, केरला के एक JW मैरियट को कह दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंदर मस्जिद बना डाली थी। तो मेरा कहना है आधा पंजाब वक्फ बोर्ड के हाथ में है, हैदराबाद वक्फ बोर्ड के पास बहुत संपत्ति है, पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड के पास बहुत संपत्ति है। अगर वाकई में श्रीमती ममता बनर्जी मुसलमानों की मसीहा होती तो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू है 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, ये मैं आज का आपको बता रही हूँ, आज का, ठीक है। और इनकी रेवेन्यू जो आती है, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी की रेवेन्यू आती है 20,000 करोड़ एवरी ईयर, एनुअल रेवेन्यू आती है 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़ पूरे देश में है और 20,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आती है। अब इसमें से मैं मान लेती हूँ 15% पश्चिम बंगाल में है, तो आज मुसलमान पश्चिम बंगाल के गटर के ऊपर लकड़ी का पटरा बिछा के क्यों सो रहे हैं? मुसलमान जाहिल क्यों है? मुसलमान अनएम्प्लॉयड क्यों है? मुसलमान अनपढ़ क्यों है? मुसलमान पसमानदा क्यों है? मुसलमान गरीब क्यों है? मुसलमान रिक्शा क्यों चला रहे हैं? मुसलमान मोटियां मजदूरी क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रही है ममता बनर्जी? मुसलमानों को शिक्षित क्यों नहीं कर रही है? पैसे तो है आपके पास, नर्सिंग सेंटर क्यों नहीं बना देती है इस प्रॉपर्टीज पर? इस प्रॉपर्टीज पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बनाती है? अकेडमिक क्वालिफिकेशन का सेंटर क्यों नहीं बनाती है? कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं बनाती है? होटल मैनेजमेंट कोर्स का सेंटर क्यों नहीं बनाती है? मुसलमान ये सब कुछ बना देंगी ममता बनर्जी तो वोट कैसे देगा मुसलमान उनको? फिर तृणमूल कांग्रेस का झंडा और डंडा कैसे पकड़ा जाएगा? फिर हम जैसी मुसलमान शिक्षित बेटियों को बेआबरू और बेइज्जत कौन करेगा? गालियां कौन देगा? तो इसलिए श्रीमती ममता बनर्जी ने मुसलमानों को अपना दल्ला
अपना पॉकेट वोट का वोट बैंक और अपना चप्पल चाटने के लिए रखा है। मुसलमानों का कोई अस्तित्व ममता बैनर्जी की नजर में नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी पॉसिबिलिटीज है कि वो मुसलमानों को बहुत ज्यादा सुखी सुखी संसार बना करके वो उनको बहुत अच्छे से रख सकती हैं, उनको शिक्षित कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनकी गैदरिंग में ममता बैनर्जी का हवाई चप्पल चाटने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं जब भी श्रीमती ममता बैनर्जी को इंटरव्यू में देखती हूँ या किसी रैली में देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि एकदम चप्पल सादा है। हम कोई नया चप्पल भी लाते हैं अंजू जी, तो वो दो दिन के बाद थोड़ा मैला हो जाता है, पर उनका सादा का सादा रहता है। तब मुझे समझ में आया कि मुसलमान चाटता रहता है इसीलिए सादा का सादा रहता है। तब मुझे गुमान आया कि मुसलमानों के चाटने से ये सादा का सादा रह जाता है। तो देखिए, मुसलमान बेसिकली कांग्रेस की नजर में भी सिर्फ वोट बैंक और पपेट है, और टीएमसी की नजर में तो अप्रूव्ड और स्टैम्प्ड सिर्फ चप्पल चाटने के लिए और वोट बैंक के लिए मुसलमान है। और मुसलमान के ठेकेदार ये चीज जानते हैं कि ममता बैनर्जी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, हालांकि कर सकती है, लेकिन क्योंकि उन ठेकेदारों का पॉकेट भर रहा है, इसलिए मेरे युवा भाई बहनों की जिंदगी मुस्तकबिल को बिल्कुल बर्बाद। और तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजी लाई खान जी और अंजू पंकज जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान और अंजू पंकज जी ने ना सिर्फ ममता बैनर्जी के झूठ से पर्दा उठाया, बल्कि कैसे ममता बैनर्जी ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी लॉलीपॉप देती हैं, इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताया। तो आशा करता हूँ वीडियो को काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।